के अंदर हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्या गुणधर्म स्टार्ट किया था, और अणुसंख्या गुणधर्म के अंदर पहला अणुसंख्या गुणधर्म था हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वो कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड आपके पास अणुसंख्या गुणधर्म है वो कौन सा है, क्वथनांक उन्नयन। देखो क्वथनांक उन्नयन का मतलब ये हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या हो रही है, वृद्धि होगी। किसके बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होगी, विलयन के बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होगी। किसकी अपेक्षा वृद्धि होगी या किसकी तुलना में वृद्धि होगी, शुद्ध विलायक की तुलना में वृद्धि होगी। और किस टाइप का विलयन है ये, अवाष्पशील ठोस विलय युक्त विलयन है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या था, अवाष्पशील ठोस विलय था, इसको मैंने क्या किया, शुद्ध वाष्पशील विलय के अंदर विलय कर दिया, शुद्ध वाष्पशील विलय में इसको क्या कर दिया, विलय कर दिया। तो मेरे पास क्या बना, विलयन बना, मेरे पास क्या बना, विलयन। और इस विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है किससे, इससे। इसका मतलब शुद्ध वाष्पशील विलय से, या मैं क्या लिख सकता हूं, शुद्ध वाष्पशील विलायक। क्लियर, ये दोनों एक ही विलायक की बात हो रही है यहां पे। यानी कि डेफिनेशन की अपन बात करें तो जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में बढ़ जाता है, इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। यानी कुल मिला के बात यह है कि जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाओगे तो बनने वाले विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में बढ़ जाता है, इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले अपन क्वथनांक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्वथनांक क्या है। क्वथनांक का मतलब अपन किसकी बात करें, अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। जैसे आपने H2O के लिए देखा होगा, जो H2O है, H2O को यदि गर्म करें तो आप ये कहते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वेपर बनने लग जाती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो H2O है उसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। या मैं ऐसा कहूँ कि H2O का खुद का कोई वाष्प दाब होता होगा, H2O का खुद का कोई वाष्प दाब होगा, और ये वाष्प दाब जब किसके इक्वल आ जाएगा, 180 mm के इक्वल आ जाएगा, तो हम क्या कह देंगे कि हमें क्वथनांक की प्राप्ति हो गई है। यानी कि किसी द्रव के वाष्प दाब में इतनी वृद्धि करो कि उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ये कौन सा दाब है आपके पास, वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अब देखो मैं किसी भी लिक्विड के बारे में ऐसा कह सकता हूँ कि किसी लिक्विड का खुद का कोई वाष्प दाब होता होगा, वेपर प्रेशर होता होगा, इसके वेपर प्रेशर में इतनी वृद्धि करो कि ये वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। दूसरी बात मैं ये करूं कि जो जिस वायुमंडलीय दाब पर अपन रहते हैं वो कितना है, 1 atm पर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी भी लिक्विड के वाष्प दाब में आप इतनी वृद्धि कीजिए ताकि वो किसके इक्वल हो जाए, वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाए। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब अपन यहाँ बात करेंगे किसकी, कि क्वथनांक में उन्नयन क्यों हो रहा है, क्वथनांक में उन्नयन क्यों हो रहा है। इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, किधर की तरफ, वाष्प दाब में अवनमन की तरफ जाना पड़ेगा। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि वाष्प दाब में अवनमन होता है। कब होता है वाष्प दाब में अवनमन, जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या हो जाता है, घट जाता है। और उसका रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए
मेरे पास क्या है, एक ये विलायक है, ठीक है, ये शुद्ध विलायक लिया है मैंने, माना कि शुद्ध विलायक का यहाँ कोई वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, एक एटीएम है, वायुमंडलीय दाब है, और माना कि विलायक क्या है आपके पास, H2O है, तो आपको इसके वेपर प्रेशर को वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, और ये टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया आपने, वोटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब आपने क्या किया, इस विलायक के अंदर क्या मिला दिया, अवाष्पशील ठोस मिला दिया, क्या मिला दिया, अवाष्पशील ठोस मिला दिया, और अवाष्पशील ठोस आप इसके अंदर मिलाओगे तो एक विलयन बनेगा, यहाँ क्या आएगा, विलायक ही आएगा। आपने क्या किया, इस शुद्ध विलायक में क्या मिला दिया, अवाष्पशील ठोस विलय मिला दिया, तो सीधी सी बात है, जब किसी अवाष्पशील ठोस विलेय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी, यानी कि पहले जो वाष्प दाब यहाँ पे था वो वाष्प दाब अब यहाँ पर आ गया है, और ये क्या है आपके पास, वाष्प दाब में अवनमन है, हायर वैल्यू में से क्या कीजिए आप, लोअर वैल्यू को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। शुद्ध विलय का वाष्प दाब कितना होता है, पी नॉट, और विलयन का वाष्प दाब कितना होता है, PS होता है, क्लियर, तो पी नोट माइनस PS क्या है, डेल्टा P है। अब ये देखो, ये शुद्ध विलयन का वाष्प दाब यहाँ पर है, और विलयन के क्वथनांक को प्राप्त करने के लिए इसके वाष्प दाब को आपको कहाँ तक लाना पड़ेगा, 180 atm तक लाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करोगे, क्लियर। अब आप देख सकते हो, विलायक के वाष्प दाब को 180 atm तक लाने के लिए आपने केवल ये टेम्परेचर इंक्रीज किया है, और विलयन के वाष्प दाब को 180 atm तक लाने के लिए आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वाष्प टेम्परेचर इंक्रीज किया है, यानी कि देखो, ये टेम्परेचर आपने आपको एक्स्ट्रा इंक्रीज करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर, ये वाला जो टेम्परेचर आपको एक्स्ट्रा इंक्रीज करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो विलयन था, विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है, तो जो पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था रूम टेम्परेचर पे जो भी था, तो इस वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, इसी का नाम क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि विलयन का वाष्प दाब घट गया है, और अब इस गठे हुए वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए पहले की अपेक्षा आपको अधिक ताप की आवश्यकता होती है, यानी कि आपने देखो, ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो आप दोगे ही दोगे, उसके अलावा आपको ये एक्स्ट्रा टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, क्या करने के लिए, विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए, और इसी एक्स्ट्रा टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ΔTB, क्वथनांक में उन्नयन। मैं आपसे ये पूछूं कि क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ, जितना वाष्प दाब में अवनमन हुआ, क्या कह रहा हूं मैं, इसको देखो, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ये वाष्प दाब में अवनमन है, आपको कितना टेम्परेचर एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, भाई ये टेम्परेचर तो विलायक के लिए आपको देना ही पड़ रहा था 180 atm तक जाने के लिए, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे को यहां से यहां तक का जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है वो और देना पड़ रहा है, किसके लिए, ताकि विलयन के वाष्प दाब को कहां तक पहुंचाया जा सके, 180 atm तक पहुंचाया जा सके। अब आप जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे रहे हो वही क्या है, ΔTB, ΔTB कितना है, ये एक्स्ट्रा टेम्परेचर किसके इक्वल है, ये एक्स्ट्रा टेम्परेचर वाष्प दाब के अवनमन के इक्वल है। दोबारा समझिए, देखिए इसको, मैंने क्या किया, एक विलायक लिया, ठीक है, इस विलायक का रूम टेम्परेचर पर कोई वाष्प दाब है, वो पी नोट है, अब इस विलायक के वाष्प दाब को 180 atm तक लाने के लिए, यानी कि इसका क्वथनांक प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टेम्परेचर देना पड़ रहा है, और जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को इस शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिला दिया जाएगा तो वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और इसी का नाम क्या है, ΔP, ΔP का मतलब वाष्प दाब में अवनमन। अब आप देखिए, इस गठे हुए वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए आपको यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, क्लियर,
यानी कि ये टेम्परेचर तो आपको देना ही देना है, उसके अलावा ये टेम्परेचर भी और देना पड़ेगा। ये कौन सा टेम्परेचर है? ये एक्स्ट्रा टेम्परेचर है जो घटे हुए वाष्प दाब को पहले तो पहले वाले वाष्प दाब के इक्वल आएगा, और फिर वहाँ से जो आपने पहले टेम्परेचर दिया था वो आपको देना ही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर आप दे रहे हो वो क्या है? डेल्टा टी बी है। इसी का नाम क्या है? क्वथनांक उन्नयन है। दूसरी बात, क्वथनांक उन्नयन, आपने क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ आपके? जितना वाष्प दाब में क्या हुआ था? अवनमन हुआ था। अब मैं इसको रीड आउट करके बता रहा हूँ कि क्वथनांक उन्नयन का कारण क्या है। देखो सीधी सी बात यह है, क्वथनांक उन्नयन का कारण यह है क्योंकि वाष्प दाब में क्या हो जाता है? अवनमन हो जाता है, और घटे हुए वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए पहले की अपेक्षा अधिक ताप की आवश्यकता होती है। मैं क्या कह सकता हूँ, देखो सुनो इसको, जब किसी अवाष्पशील ठोस विलेय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में घट जाता है। इस घटे हुए वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए पहले की अपेक्षा अधिक ताप की आवश्यकता होती है, और यही क्या कहलाता है? क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ? जितना वाष्प दाब में क्या हुआ है? अवनमन हुआ है। यानी कि हम एक बात के लिए श्योर हो चुके हैं कि यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो क्या निकला है कि क्वथनांक में कितना उन्नयन होता है? जितना वाष्प दाब में अवनमन होता है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पे क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाष्प दाब में अवनमन ऐसा कह सकता हूं मैं। क्लियर? तो आप ये ध्यान रखिए, क्वथनांक उन्नयन का सीधा सीधा संबंध किससे है? वाष्प दाब में अवनमन से है। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से और पढ़ेंगे अपन। तो देखिए, माना कि मेरे पास क्या दो लिक्विड है, एक तो विलयन है और एक विलायक है, मुझे उनका पता नहीं है। हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो किस किस के बीच में कर रहे हैं? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में मेरे पास दो लिक्विड थे। ये मेरे को पता नहीं है इनमें से कौन सा द्रव है तो विलयन है, कौन सा द्रव क्या है? विलायक है। हाँ, मेरे को इतना जरूर पता चला है कि क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी किसके इक्वल होगा? देखो, क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, सीधी सी बात यह है कि इसका अंदाजा क्या लगाएंगे कि विलयन का ये जो गुणधर्म बताए थे मैंने आपको, किसके बारे में बताए थे? विलयन के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे? विलयन के बारे में। यानी कि विलयन का क्वथनांक ज्यादा है किससे? शुद्ध विलायक से। तो आप हायर वैल्यू में से क्या कीजिए? लोअर वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो क्वथनांक उन्नयन इज इक्वल टू विलयन का क्वथनांक टी बी माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और ये कितना है आपके पास? टी नॉट बी है। क्लियर? अब देखिए, ये कंक्लूजन हमने हमारी डेफिनेशन से और जो एक प्रोग्राम हमने यहाँ डिजाइन किया था उससे हमने निकाले हैं कि क्वथनांक उन्नयन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाष्प दाब में अवनमन के, आपेक्षिक अवनमन के नहीं, वाष्प दाब में अवनमन के। एक कंक्लूजन इसके नाम से ही निकला है कि क्वथनांक उन्नयन यानी कि विलयन का गुणधर्म है, तुलना किससे है? शुद्ध विलायक से है। यानी कि विलयन का क्वथनांक ज्यादा है किससे? शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। अब ध्यान देना, वाष्प दाब और टेम्परेचर के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, हमें यह तो नहीं पता इनमें से कौन सा द्रव है विलयन है और कौन सा द्रव क्या है विलायक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 180 mm हो जाएगा। जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 180 mm। तो दोनों लिक्विड का हमें क्या मिल जाएगा? क्वथनांक मिल जाएगा। क्लियर? तो देखिए, इससे रिलेटेड टेम्परेचर ये हो गया और इससे रिलेटेड टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी कि इस लिक्विड से रिलेटेड क्वथनांक ये है, इस लिक्विड से रिलेटेड क्वथनांक क्या है? ये है।
देखो ये यानी कि टेम्परेचर हम क्या बताने जा रहे हैं, टेम्परेचर से यहाँ हम क्वथनांक बताने जा रहे हैं। क्यों बताने जा रहे हैं क्वथनांक? क्योंकि हमें पता है जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वथनांक मिल जाएगा। अब देखिए इनमें से टेम्परेचर किधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, आगे की तरफ, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये तो हायर वैल्यू है और ये क्या है, लोअर वैल्यू है। हायर वैल्यू यानी कि ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा, ज़्यादा क्वथनांक होगा किसका, विलयन का। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, टीबी लिख सकता हूं। और कम क्वथनांक किसका होगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, टी नोट भी लिख सकता हूं। और इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, डेल्टा टीबी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेल्टा टीबी। देखिए एक कंक्लूजन तो अपने पास ये आया कि क्वथनांक उन्नयन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वाष्प दाब में अवनमन के। और क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, नाम से पता चल रहा था कि विलयन का गुणधर्म है किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में। तो हम क्या करेंगे, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर? तो हमने क्या किया, वाष्प दाब और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। हमें नहीं पता कौन सा लिक्विड क्या था, हमने तो ये पता जरूर है मैं कि 180 एम पर दोनों द्रव का क्या मिल जाएगा, आपको क्वथनांक मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड टेम्परेचर ये हो गया और इससे रिलेटेड टेम्परेचर ये हो गया, यानी कि इसका क्वथनांक ये है, इसका क्वथनांक ये है। अब ज़्यादा क्वथनांक किसका होता है, विलयन का। तो हायर वैल्यू किसकी है, विलयन की। यानी कि ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए है, आपके पास विलयन के लिए है, और ये वाला जो ग्राफ है आपके लिए किसके लिए है, विलायक के लिए है। क्लियर? तो विलयन में से, विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक अपन कम कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्वथनांक उन्नयन आ जाएगा। ये हो गया इसका क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके क्या करेंगे, अपन डेरिवेशन की बात करेंगे। आई थिंक आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन इसके डेरिवेशन की, इसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो डराइव करेंगे। इसके साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर जो अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ते हैं उनका जो उद्देश्य है पढ़ने का, क्या एम था हमारा, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करना, ये उद्देश्य था। तो उसी उद्देश्य को अपन क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। दूसरी बात, क्वथनांक उन्नयन का जो फाइनल फॉर्मूला है जिससे हमें न्यूमेरिकल से सोल्व करने हैं वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए आपके पास ये निकली एक पॉइंट ये निकला था, हम जानते हैं कि डेल्टा टी बी यानी कि क्वथनांक उन्नयन डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा पी के समानुपाती है, डेल्टा पी के समानुपाती है। क्लियर? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, इक्वेशन नंबर 1। आप ये भी ध्यान रहे आपके पास एक इक्वेशन ये भी है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, ये इक्वेशन भी आपके पास एक है। क्लियर? अब देखिए ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन निकालने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, राउल्स लॉ के अंदर जाना पड़ेगा। कौन से राउल्स लॉ में, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ के नियम के अनुसार। कौन से नियम के अनुसार, अवाष्पशील विलेय युक्त, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। क्या था ये नियम, ये नियम था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो मेरे पास इक्वेशन थी ये, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स ए। पी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, एक्स ए क्या है, विलेय की मोल भिन्न। पी नोट माइनस पी एस क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी जीरो एक्स ए। देखो डेल्टा पी नोट माइनस पी एस ये तो हो गया क्या, डेल्टा पी, और पी नोट को किधर की तरफ ले आए, आगे की तरफ, तो ये क्या हो गया, पी नोट एक्स है। दूसरी बात, पी नोट क्या है, यहाँ समानुपाती स्थिरांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आप देखिए, इक्वेशन 1 क्या है,
डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, और यहाँ ये क्या है, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ऐसा लिख सकता हूँ। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दीजिए और यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट यूज कर लीजिए, तो मेरे पास ये हो गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के डॉट एक्स है। एक्स क्या है, विलेय की मोल भिन्न है। एक्स के क्या है यहाँ, के यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक्स की बात करें, एक्स क्या है, विलेय की मोल भिन्न है। कैसे निकालोगे विलेय की मोल भिन्न, तो ये हो गया आपके पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के डॉट एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्लियर। और आपको पता है कि जो अणुसंख्या गुणधर्म है वो केवल और केवल किसके लिए लागू होते हैं, तनु विलयन के लिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा बट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, बट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि तनु विलयन के लिए अपन बात करें तो एन ए का अमाउंट कम रहेगा किससे, एन बी से। इसका मतलब एन ए एंड एल एन ए प्लस एन बी ऑलमोस्ट इक्वल टू एन बी। जो आपके अणुसंख्या गुणधर्म है वो तनु विलयन के लिए लागू है, इसलिए अपन क्या करेंगे एन ए प्लस एन बी की जगह क्या पुट करेंगे, एन बी पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एन ए का अमाउंट क्या है, बहुत कम है। तो इस इक्वेशन के अंदर लिखिया तो ये हो गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के डॉट एन ए अपॉन एन बी। एन ए क्या था आपके पास, विलेय के मोल। एन बी क्या है आपके पास, विलायक के मोल। तो अब आपके पास विलेय के मोल और विलायक के मोल ही बचे हैं, इसको क्या करो आप चेंज कर लो किसके अंदर, अमाउंट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, यानी कि विलेय की ग्राम में मात्रा और विलेय का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान की बात करेंगे अपन यहाँ पे। तो एन ए इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम ए, और एन बी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो ये वैल्यू इसके अंदर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो मेरे पास ये आ गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के डॉट डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डॉट, नीचे आएगा डब्ल्यू बी, ऊपर क्या चलाएगा, एम बी चला जाएगा, क्लियर। इस इक्वेशन में देखिए एक तो क्या है के कॉन्स्टेंट है, दूसरा क्या है एम बी कॉन्स्टेंट है। देखिए एम बी क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है, क्या है विलेय का मोल, सॉरी विलायक का, क्या है ये विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान है। इसे क्या माना जा सकता है, कांस्टेंट माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है कांस्टेंट, मान लीजिए मेरे पास पांच जगह पे मैंने क्या रखा है, सॉल्वेंट के लिए H2O को सिलेक्ट किया है। अब एक जगह में NaCl डिजोल कर रहा हूँ, एक में एसिटिक एसिड, एक में NH4Cl, एक के अंदर NH4Br, एक के अंदर KNO3, एक में और कुछ मान लीजिए आप। तो मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास जो सभी सॉल्वेंट है वो क्या है, H2O है, और सॉल्वेंट H2O है। तो देखो भले ही उनकी ग्राम में मात्रा अलग अलग हो सॉल्वेंट H2O की, लेकिन सभी सॉल्वेंट H2O ही है, तो H2O का मोलर मास कितना है, 18 ग्राम पर मोल ही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं इस एम बी को कॉन्स्टेंट मान सकता हूँ, तो के भी कॉन्स्टेंट और एम बी भी कॉन्स्टेंट। तो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, के डॉट एम बी की जगह एक नया कॉन्स्टेंट यूज करेंगे के बी, क्या यूज करेंगे के बी, और के बी का, के बी का जो नेम है वो क्या होगा, ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या है ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है, या मैं क्या कह सकता हूँ, और ये क्या है मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, क्या है मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। यदि सोलवेंट की फॉर्म में आपने क्या लिया है, H2O लिया है, यदि सोलवेंट के रूप में क्या यूज किया जाए, H2O यूज किया जाए, तो Kb की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है। क्या कह रहे हैं अपन, देखिए K कॉन्स्टेंट था, एम बी को भी हमने क्या माना है कॉन्स्टेंट, इन दोनों की जगह नया कॉन्स्टेंट यूज किया है वो क्या है के बी है, और के बी क्या है मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट है। अब ये प्रत्येक सॉल्वेंट के लिए क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, प्रत्येक सॉल्वेंट के लिए क्या होता है अलग अलग। अब H2O है आपके पास यदि सॉल्वेंट के लिए,
यदि सॉल्वेंट के फॉर्म में आपने किसको काम में लिया है, H2O को, तो आपकी जो केबी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल होगा। क्लियर। अब इस इक्वेशन में आप क्या कीजिए, के की जगह और एमबी की जगह क्या रख दीजिए, केबी रख दीजिए। तो मेरे पास देखिए नई इक्वेशन आई, वो क्या आई, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी डॉट डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डॉट डब्ल्यू बी। ध्यान देना। अब देखो मैंने अणुसंघ के गुणधर्म पढ़ा रहा था, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने एक बात कही थी कि अणुसंघ के गुणधर्म विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करेंगे। क्लियर। तो वो टाइम आ गया है, हम इस बात को क्या करें प्रूव। देखो सोलवेंट बदलते ही किसकी वैल्यू बदल जाएगी, केबी की। और ये क्या है, एक अणुसंख्या गुणधर्म, यानी कि केबी का मान इंक्रीज और डिक्रीज करने से किसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी, क्वथनांक उन्नयन की वैल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। इससे स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि अणुसंख्या गुणधर्म किस पर भी निर्भर करते हैं, विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। इज दैट क्लियर। इस लास्ट वाले अमाउंट को आप देखिए, ये क्या है, वेट बाई वेट है। देखो ऊपर भी वेट है, नीचे भी क्या है, वेट है। तो ये कौन सा टर्म हो गया आपके पास, वेट बाई वेट, सांद्रता का पद हो गया। वेट बाई वेट सांद्रता के पद में एक तो द्रव्यमान प्रतिशत था, एक मोल भिन्न थी और एक मोललता थी। तो देखो ये द्रव्यमान प्रतिशत तो नहीं है, द्रव्यमान प्रतिशत में तो क्या होता है, सिर्फ डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100 होता है, तो वो तो नहीं है ये। और ये क्या नहीं है, मोल भिन्न भी नहीं है। मोल भिन्न होती तो क्या होता, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है, एन बी को तो एन ए को तो आप पहले हटा चुके हो नीचे से। अब वेट बाई वेट सांद्रता के पद में केवल और केवल क्या बचा आपके पास, मोललता। तो मतलब क्या है, ये मोललता ही है। विलय का, विलय की मात्रा ग्राम में, विलय का आणविक द्रव्यमान और डब्ल्यू बी क्या है, विलय का भार। यदि विलय का भार कितना लिया जाए, एक किलोग्राम लिया जाए। यदि डब्ल्यू बी कितना लिया जाए, एक किलोग्राम लिया जाए। डब्ल्यू बी बराबर कितना लिया जाए, एक किलोग्राम। तो इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा टी बी के बी डॉट डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डॉट डब्ल्यू बी कितना हो गया, ये एक किलोग्राम। तो हमने हमारी डेफिनेशन थी ना, एक किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है। अब जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो ये किलोग्राम में नहीं देकर के किस में दिया हुआ रहेगा, ग्राम में। और इसको ग्राम में, ओ किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आप थाउजेंड से डिवाइडेशन करोगे। और जैसे ही आप इसको थाउजेंड से डिवाइडेशन करोगे, थाउजेंड किधर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। दैट इज द फाइनल इक्वेशन बाई विच यू कैन सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। ये आपके पास एक फाइनल इक्वेशन आई है जिससे आप क्या सोल्व कर सकते हो, क्वथनांक उन्नयन की, क्वथनांक उन्नयन की गणना कर सकते हो। दूसरी बात, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें विलय का मोलर द्रव्यमान भी शामिल है। ये क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान है। क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान। ये विलय के मोलर द्रव्यमान और डेल्टा टीबी आपके पास क्या है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन है। क्या है, क्वथनांक उन्नयन। तो ये क्वथनांक उन्नयन की एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें क्वथनांक उन्नयन व विलय के मोलर द्रव्यमान के बीच में संबंध व्यक्त किया गया है। दूसरी बात, इस समीकरण की सहायता से यदि हमारे पास आवश्यक आंकड़े उपलब्ध है तो हम क्या कर सकते हैं, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना भी कर सकते हैं। अब देखें थोड़ा सा अपन इसके अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अपन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट मोलिलिटी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो क्या होगा, ये जो के बी है वो क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट है। तो मैंने क्या किया, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख दिया मैंने, मोलिलिटी लिख दिया। यानी कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि मोलिलिटी इंक्रीज होने पर क्या इंक्रीज होगा, डेल्टा टी बी, यानी कि क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या कह सकता हूं मैं, यदि किसी विलयन की मोललता लगातार इंक्रीज होगी तो उसके क्वथनांक उन्नयन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी।
जैसे मान लीजिए आपको तीन सॉल्यूशन दे दे, ए बी और सी। एक है आपके पास 0.1 का, 0.2 का, 0.3 m का, ये मोलिलिटी मोलिलिटी और ये मोलिलिटी, और आपसे पूछे कि किसकी मोलिलिटी, किसके ए बी सी आपके पास है, इन तीनों विलयन में से किस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा होगा, तो जिसकी मोलिलिटी ज्यादा होगी उसी के क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा होगा। देखो ये वैल्यू 0.3 से आगे इंक्रीज होगी, 0.9 और 1 हो जाएगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सी वाली है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सी का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। एक बात और देखो, यहाँ पे क्वथनांक उन्नयन है और ये क्या है आपके पास, विलेय का मोलर द्रव्यमान है। क्लियर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान, यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान हो गया मेरे पास, यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान बढ़ने पर, क्या कह रहे हैं अपन, विलेय का मोलर द्रव्यमान बढ़ने पर क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, कम होगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए मैं कोई विलेय ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक तो ले लिया मैंने, क्या NH2C डबल बॉन्ड O NH2। दूसरा ले लिया मैंने, क्या C12 है, C6H12 है, O6। एक ले लिया मैंने, क्या C12 है, H22O11। आप देख पा रहे हो इसका कितना होगा, 60 ग्राम पर मोल होगा, यदि विलेय क्या है, यूरिया है। और यदि मेरे पास ग्लूकोज है तो कितना होगा, 180 ग्राम पर मोल होगा। और थर्ड मेरे पास क्या है, शुगर है, इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई 354 के आसपास होगा, चेक कर लेना आप। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास जो ये तीन विलेय है उनमें सबसे ज़्यादा मोलर द्रव्यमान किसका है, ए बी और सी का है। तो मैं आपसे पूछूं, देखो दो तरह के क्वेश्चन डिजाइन होंगे, एक में तो क्या दी जाएगी, मोलेलिटी मोलरता दी जाएगी, कि आपको कोई तीन सॉल्यूशन दिए गए हैं ए बी सी के, तो बताइए कि किसके क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा होगा, तो जिसकी मोलिलिटी ज्यादा है उसके क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा होगा। हालांकि हमें आगे चल के इस फॉर्मूले में करेक्शन भी करना है, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे, अभी यहाँ से क्या क्या रिजल्ट अपन निकाल सकते हैं। और मान लीजिए मोललता नहीं दी जाए आपको और सीधा दे दिया जाए कि तीन सॉल्यूट आपके पास ये थे, तो आपको क्या करना होगा, उनके मोलर द्रव्यमान निकालने होंगे। और जैसे ही आप उनके क्या निकालोगे, मोलर द्रव्यमान निकालोगे, तो जिसका मोलर द्रव्यमान सबसे ज्यादा है जिस विलेय का, उसके क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, सबसे कम होगा। यहाँ देखिए ए बी और सी, सबसे कम मोलर द्रव्यमान इसका है, एक का यूरिया का, तो यहाँ पर इसके क्वथनांक में, यूरिया के क्वथनांक में सबसे ज्यादा उन्नयन होगा। क्लियर। तो ये था आपका क्या डेरिवेशन, फटाफट इसको रिवाइज कीजिए। देखो एक इक्वेशन तो ये थी आपके पास, हम जानते हैं कि डेल्टा टी भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा पी के, तो डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। फिर अपन ने राउल्स लॉ को यूज किया जो अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए दिया गया था, वो ये था पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू अक्स ए, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। पी नोट माइनस पी एस को आपने क्या कर दिया, डेल्टा पी ले लिया, और डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट को इधर ले गए, पी नोट क्या था, समानुपाती स्थिरांक था, तो इसको उठा दिया, तो डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अक्स ए। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में था डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, और डेल्टा पी किसके है, एक्स ए के, तो डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एक्स ए के। यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को उठा दीजिए और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठा दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट यूज कीजिए, के एक्स ए को चेंज कर लीजिए, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और इसमें से एन ए प्लस एन बी की जगह क्या लिख दीजिए, एन बी, क्योंकि अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के डॉट एन ए अपॉन एन बी, दोनों की वैल्यू रख दीजिए, के और एम बी दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है, इनकी जगह पर नया कॉन्स्टेंट आएगा के बी, जो कि क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्लियर। और यदि सोलवेंट यदि वोटर है तो उसकी यूनिट क्या आएगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.52, और के की यूनिट क्या होती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आराम से निकल सकती है। फिर आपने क्या किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा, तो आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें हमने देखा ये कि क्या है, मोलिलिटी है, तो इसको आप किलोग्राम में लिखो या ग्राम में दियो, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये वो इक्वेशन है
जो आपको क्वथनांग उन्नयन में विलय के मोलर दरों मान के बीच में संबंध व्यक्त करती है, आपको सभी न्यूमेरिकल्स इसी इक्वेशन के बेसिस पे निकालने हैं और सभी आवश्यक आंकड़े अवेलेबल है अपने पास, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एमए की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा हमने देखा डेल्टा टीबी और विलय के मोलर दरों मान में संबंध देखा तो कैसा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। और आगे वाला पद क्या था, मोलेलिटी था, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, क्लियर। अब देखिए, मान लीजिए आपको किसकी यूनिट निकालनी है, केबी की यूनिट निकालनी है, तो आपको वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकता हूँ मैं, देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी डॉट क्या है, मोलेलिटी, और केबी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टीबी अपॉन मोलेलिटी। देखो ये तो किसके अंदर होगा, केल्विन में ही होगा भाई। दो टेम्परेचर आपके पास 273 केल्विन और 270 केल्विन, तो केल्विन डिफरेंस क्या आएगा, केल्विन ही आएगा, कॉमन ले लेंगे। नीचे क्या है आपके पास, मोलेलिटी है जो किसके अंदर होती है, मोल प्रति किलोग्राम के अंदर होती है। इसको सोल्व करो, केल्विन ऊपर ही रहेगा, किलोग्राम ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, केल्विन किलोग्राम पर मोल हो गया आपके पास, क्लियर। तो इसका यूनिट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मान लीजिए, हालांकि मैं न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा तो आपको ये बात दोबारा रिमाइंड कराऊंगा। मान लीजिए आपको एग्जामिनर क्या कह रहा है कि विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, किसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछा है कि विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। आप विलयन का क्वथनांक ज्ञात करने का मतलब ये हो गया कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, टीबी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टीबी। और ये क्या है, विलय का क्वथनांक, विलय जनरली आपको क्या दिया जाएगा, सोलवेंट ही दिया जाएगा, सोलवेंट के लिए आपको विलय सोलवेंट के फॉर्म में क्या दिया जाएगा, H2 ही दिया जाएगा। और जो H2 होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा टीबी पूछ रहा है, सॉरी टीबी पूछ रहा है, टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक। अब ध्यान देना, विलयन का क्वथनांक कब निकलेगा, जब आपके पास क्या आएगा, डेल्टा टीबी। तो आप पहले तो फॉर्मूला लगाना इसके अंदर क्या, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस 373.15 केल्विन। ध्यान रहे ये H2O है तभी फिक्स है, और कोई दूसरा सोलवेंट लेगा तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, ये टेम्परेचर देगा, क्लियर। तो जैसे मैंने यहाँ H2O यूज किया है मेरे न्यूमेरिकल के अंदर, तो मैंने कितना लिख दिया, 373.15 केल्विन लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास टीबी कब आएगा, जब मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी। तो आप यहाँ से क्या निकाल लेना, डेल्टा टीबी के बी डॉट डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डॉट डब्ल्यू बी इंटू 1000 कब, जब डब्ल्यू बी किसके अंदर है, ग्राम में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कई बार एग्जामिनर विलयन का क्वथनांक पूछता है और स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वथनांक में उन्नयन निकाल के छोड़ देते हैं। देखो विलयन का क्वथनांक पूछने का मतलब है कि एग्जामिनर टीबी पूछ रहे हैं। टीबी कब आएगा, जब आपको क्या निकालेंगे, डेल्टा टीबी। तो आप पहले फॉर्मूला ये लिखो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नोट बी। सोलवेंट यदि H2O लिया हुआ है तब तो ये भी पुट कर दीजिए, 373.15 केल्विन। और सोलवेंट यदि कोई अलग है तो उसका क्वथनांक एग्जामिनर हमें क्वेश्चन के अंदर देगा। तो आप क्या करो, डेल्टा टीबी को निकाल लेना, के बी वोटर के लिए फिक्स है, वोटर सोलवेंट होगा तो कोई दूसरा सोलवेंट लेगा तो आपको क्या करेगा, वो के बी की वैल्यू देगा। सभी वैल्यू पुट करने के बाद में क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी को कहाँ रख देना, आप यहाँ रख देना। तो आपके पास देखो ये यूनिट भी है और ये यूनिट भी है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, टीबी को कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया आपके पास क्वथनांक उन्नयन, जिसमें मेरा पूरा डिटेल्ड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपसे सभी क्वेश्चन करवाए हैं। एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध करो कि डेल्टा टीबी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन कभी आया नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, सीखना चाहिए ये कि ये इस डेविएशन के थ्रू निकलेगा, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।